On a dusty morning, the unpaved roads of Kurangi are lined with hundreds of workers. They come to this large industrial area in Karachi in pairs or alone, men and women on foot, riding tandem on cycles, or hanging off the noisy, crowded buses. Some are clocking out at this dawn hour, while others check in to the stifling, windowless factories. Here they will remain all day, bent over machines or standing on their feet, working for a paycheck that often does not meet the requirements of even the minimum wage. They can hardly afford three meals a day, and access to health care and education remains a distant dream. But options are limited, and these workers make do with whatever they can get, unaware of their rights and unable to fight for them. Where are the workers to go to redress their grievances and seek access to justice? Multinational companies jo hai wo koshish karti hain ke wo kuch logon ko yani maybe 5 to 10% of the total workforce usko to sari facilities dein ताकि वो दुनिया को बता सकें कि जनाब हमारे यहाँ बहुत अच्छी कंडीशंस है. बाकी लोगों को ट्रेड यूनियन का राइट नहीं है, बाकी लोगों को अपने मसलों को उठाने का राइट नहीं है. कानून में लिखा हुआ है कि जैसे अपॉइंटमेंट होगा उसको अपॉइंटमेंट की शराय दी जाएंगी कि भाई आपको ये काम करना है ये तनख्वाह, तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा. कहीं लेटर नहीं मिलता. 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है और नौकरी से ऐसे निकाल देते हैं, कोई प्रूफ नहीं होगा. अगर इंसाफ जो है वो सस्ता हो और फौरी हो तब तो वो इंसाफ कहलाने के काबिल है. लेकिन अगर किसी शख्स को 25 साल के बाद इंसाफ मिले जब जो है वो बूढ़ा हो चुका हो और वो रिटायर हो चुका हो तो फिर उसको इंसाफ मिलने से क्या मुराद है. कानून जो है उसने तहफ़ फराहम किया है कि यूनियन की तकमील तक एम्प्लायर जो है वो कोई भी अगर एक्शन करेगा तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस काउंट होगी. लेकिन होता यह है कि वो उनको उस वक्त तक नौकरी से निकाल देता है, यूनियन बनाने नहीं देता. जब वो यूनियन बनाने देता है ये लोग वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं ये मेरे तो ये मुलाजिम ही नहीं है तो इनको यूनियन बनाने का हक ही नहीं है. जब मैं आया तो मैंने इन्हें जो है चार्टर ऑफ डिमांड दिया तो कह रहे हैं नहीं यूँ है यूँ है. फिर मैंने कहा सर हम अपना लीगल राइट करेंगे हड़ताल, तो कह रहे हैं हमने हड़ताल पहले भी देखी है. मैंने कहा सर आपने देखी होगी मगर ये लीगल स्ट्राइक है. पहले 1000 में 2.5 रुपया 4 रुपया ऐसा मिलता था, अब तो बढ़ते बढ़ते 8-4 ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 रुपया हो गया. फेसिंग डबल डिजिट इन्फ्लेशन एंड सोरिंग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड लेबर फोर्स इज फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट to protect their rights with little recourse to justice.